करण सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में शिवपुरी में बाजार बंद हथियारों को फांसी देने की मांग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में शिवपुरी में राजपूत करण सेना ने बंद का आह्वान किया है। इसी के चलते बुधवार को राजपूत करण सेना ने शहर के माधव चौक चौराहे कोर्ट रोड समेत मुख्य बाजार को बंद कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हथियारों को फांसी देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। यहां आपको बता दें कि मंगलवार को राजस्थान के जयपुर के श्याम नगर में दो बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इन्हें मानसरोवर स्थित मेट्रो मास हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय राजपूत करण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या से राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में तनाव फैल गया है। राजपूत करण सेना के साथ क्षत्रिय समाज के कई संगठनों इस हत्याकांड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजपूत करण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलवाई जावे एवं उक्त मामले में CBI जांच करवाकर साजिश में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध भी सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए। स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी के परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जावे। उक्त मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर राजपूत समाज आंदोलनात्मक कार्यवाही करने के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। जी है, उनका गोली मार के उनकी हत्या करी गई है, तो हम लोगों का है उनको जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। उनके परिवार को आर्थिक स्थिति के रूप में 5 करोड़ रुपए की उनके सहयोग किया जाए और जो उनके परिवार के व्यक्ति हैं उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। तो आंदोलन में क्या कुछ रहा अभी बाजार में? सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में आज समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा करणी सेना के आह्वान पे ये बाजार बंद का हम लोगों ने अनुरोध किया था और सारे व्यापारियों का हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बाजार बंद करके दुख की इस घड़ी में राजपूत समाज का साथ दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी वो व्यक्तित्व थे कि जब देश से बनियों को और ब्राह्मण समाज को बाहर भेजने की जब बात आई थी तो सबसे पहले इस बयान को देने वाले सुखदेव सिंह थे कि यदि इन लोगों को बाहर किए जाने की कोई भी कोशिश होती है तो सबसे पहले उन लोगों को क्षत्रियों की लाशों पर से गुजरना होगा। क्षत्रिय समाज सभी वर्ग के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आज इस विषम परिस्थिति में जहाँ क्षत्रिय समाज के एक सिरमौर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जी की हत्या हुई है, हम सर्व समाजों से अनुरोध करते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो हमारा साथ दें।